हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बना रहे हैं नेपाली स्टाइल में थुक्पा, या फिर आप ग्रेवी चाउमीन भी बोल सकते हैं। तो बारिश का मौसम है, फिर चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी मेरी नेपाली व्यूअर्स के लिए है, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो नेपाली कुछ ऐसा डिश बनाओ जो बनाने में आसान हो। तो आज मैं बना रही हूँ थुक्पा। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिया है। तो यहाँ पे लिया मैंने बॉयल चाउमीन लिया है, 4 मिनट बॉयल करके रखा है मैंने। तो और यहाँ पे लिया मैंने बारीक कटा हुआ गाजर, हरा धनिया लिया थोड़ा सा, कैप्सिकम लिया थोड़ा सा, और लिया थोड़ा सा अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, एक लिया मैंने नींबू का रस, नींबू और प्याज लिया, और लिया मैंने यहाँ पे टमाटर। तो सारे चीज़ को मैं साइड करके आज मैं बटर से बनाऊंगी थुक्पा, तेल से भी बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे पहले दे रहे हैं बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, इसको ज़्यादा गर्म करना नहीं देना है। बटर मेल्ट होते ही देना है यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक, इसको थोड़ा सा चला कर देते हैं अदरक, और थोड़ा चला कर दे रहे हैं यहाँ पे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा कलर चेंज होने देना है। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं टमाटर, मैंने एक टमाटर दिया है बारीक कटा हुआ, साथ ही में दे रहे हैं थोड़ा सा नमक, बाकी नमक बाद में देंगे। अब हम ढक के रखेंगे गैस का फ्लेम लो करके 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक टमाटर ना पके। यहाँ पे टमाटर ऑलमोस्ट पक गया है, तो अब हम थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लेंगे, मिक्स हो जाता है। तो हम साथ ही में दे रहे हैं कटा हुआ गाजर और कैप्सिकम, साथ में दे रहे हैं हरी मिर्च। यहाँ पे थोड़ा सा हम दे रहे हैं पेपर, काली मिर्च का पाउडर। अब थोड़ा सा ऑप्शनल है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा दे रहे हैं, कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम दे रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, चला के और भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। हाँ, 2 से 3 मिनट भी हो गया है, देखते हैं सब्जी अच्छी सी पकी कि नहीं। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं गरम पानी, ठंडा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं गरम पानी दूंगी, टेस्ट और भी अच्छा आता है। पानी का उबाल आने तक वेट करेंगे। ये देखिए उबाल आ रहा है। अब हम दे रहे हैं यहाँ पे बॉयल किया हुआ चाउमीन। चाउमीन को फुल कुक नहीं करना है, हाफ कुक करना है, क्योंकि हमको और भी यहाँ पे कुक करना होता है। मैंने 4 मिनट के लिए बॉयल किया था। बस रेडी हो गया, तो और 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। इसी तरह का सूप चाहिए, ग्रेवी इसी तरह का चाहिए, मोटा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा पतली सूप अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम लास्ट में दे रहे हैं नींबू, एक नींबू दिया है मैंने, बीज को हटा देते हैं। गार्निश करेंगे हम हरा धनिया से। टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अजीनामोटो दे सकते हैं आप, मैंने नहीं दिया,
अब हम गार्निश कर रहे हैं। ये रही, बहुत पतली सी सूप है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आती है। जब तक आप घर पे बना के नहीं खाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। बनाना फिर कमेंट्स करके बताना मेरा जो ग्रेवी चाउमीन या फिर थुक्पा कैसे बना। मैंने थोड़ा सा गार्निश किया हरा प्याज और हरी मिर्च और लास्ट में हरा धनिया। तो कैसा लगा नेपाली स्टाइल थुक्पा, ज़रूर बताना कमेंट्स करके।